श्रीमद अभिनव धर्मभूषण यति विरचित महान ग्रंथ न्याय का विषय जिसका नाम है न्यायदीपिका। ऐसे इस न्यायदीपिका विषय में लक्षण के लक्षण की चर्चा अपनी चल रही है, जिसमें जैनों के द्वारा बताया गया लक्षण उसकी चर्चा की, उसके दो भेद बताए और दो भेद बताने के बाद इसी बीच में किसी ने कहा कि असाधारण धर्म वचनम यह भी लक्षण का लक्षण है। उसका जिसका भी ये मत है, जिनका भी ये मत है, उनके द्वारा कहा गया यह लक्षण तर्क की कसौटी पर सही नहीं उतरता है। जो भी लक्षण होता है वह लक्षण हमेशा अपने लक्ष्य की ओर ले जाने वाला होना चाहिए, लक्ष्य तक पहुंचाने वाला हो जाना चाहिए, लक्ष्य की पहचान कराने वाला चाहिए, लक्ष्य को आत्मसात कराने वाला होना चाहिए। लेकिन जो लक्षण ऐसा काम ना कर पाए, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा पाए, वह लक्षण लक्षण नहीं होता बल्कि वह लक्षणाभास होता है। इनका यह लक्षण असाधारण धर्म वचनम यह सही मंजिल तक नहीं पहुंचा पाता है, इसका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्रसिद्ध नहीं करता है, इस कारण से इसमें अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव दोष लगते हैं, या ऐसा कहें कि इसमें तीनों ये दोष लगते हैं। इससे यह लक्षण सही सिद्ध न होने से अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता। अव्याप्ति दोष लगता है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, क्योंकि असाधारण धर्म वचनम मात्र आत्मभूत में ही जाता है, अनात्मभूत में नहीं, इसलिए इसमें है अव्याप्ति दोष। अतिव्याप्ति दोष की भी चर्चा हम कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन संस्कृत टीका से हमने अव्याप्ति दोष की ही चर्चा की है। अब अतिव्याप्ति दोष कैसे लगता है उसको अपन संस्कृत से ही सीधा पढ़ते हैं, ठीक है, आप सभी के पास होगा। देखें, किंच मिल गया, किंच 230 पेज के पीछे सबसे एकदम अंत अंत में न्यायदीपिका के पूरा हिंदी समाप्त तो होने के बाद में पहला पैराग्राफ तो अपना कल हो चुका था, ननु वाला, ठीक है, तुम लोगों के पास नहीं है क्या? फिर ये लोग कैसे समझेंगे?
किताब लेके तो समझ में आता नहीं, और किताब और ना हो तो और क्या होगा, है ना। तुम्हारे पास तुम किसी के साथ में बैठ जाओ भी, वरिष्ठ वाले लेके नहीं आते कि अपनी क्योंकि अपने पास लगभग 25-30 किताबें, 25-27-28 किताब तो हैं संस्था की, और वरिष्ठ वालों के पास अपनी होंगी 5-6 किताबें मान लो, तो 30-32 में तो काम हो जाना चाहिए आराम से। दो के बीच में एक रखें तो भी बच जाएं, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। चलो देखो, पहला पैराग्राफ हो गया था ननु वाला, अब दूसरा पैराग्राफ इसमें अति आपति दोष घटित किया है, किसमें, असाधारण धर्म वचनम लक्षणम में। किंच और भी कहते हैं, अव्याप्ताभिधानस्य लक्षणाभासस्यापि सावलेयत्वादेः असाधारण धर्मत्वात् अतिव्याप्ति। कहते हैं और भी कहा कि अव्याप्ताभिधानस्य, अव्याप्ति का जो अभिधान माने कथन हो गया है, ऐसा लक्षणाभास जो अव्याप्ति जो लक्षणाभास है उसके सावलेयत्वादे, सावलेयत्वादे असाधारण धर्मत्वात् अतिव्याप्ति। जो सावलेयत्वादे, सावलेयत्व जो लक्षण बनाया था किसका बनाया था, गाय का लक्षण बनाया था, गाय का लक्षण सावलापन, जो सावली होती है उसे गाय के, ऐसा लक्षण बनाया था। कहते हैं उसमें असाधारण धर्मत्वात् लक्षणाभास था, वह उस लक्षणाभास में भी असाधारण धर्म पना होने से उसमें कौन सा दोष लग गया, अतिव्याप्ति। कैसे लग गया, क्योंकि वह असाधारण धर्म वचनम अपने लक्ष्य में तो जाता ही था, और अव्याप्ति दोष से दूषित जो लक्षणाभास है ऐसा अलक्ष्य उसमें भी वह जाता है, तो लक्ष्य में भी गया और अलक्ष्य में भी गया, तो दोनों में जाने से अतिव्याप्ति दोष आ जाता है। आगे बोलते हैं, गोह सावलेयत्वम जीवस्य भव्यत्वम मति ज्ञानत्वम वा। तीन बता दिए उदाहरण किसके हैं, ये अव्याप्ति है के वाले हैं कि अतिव्याप्ति वाले हैं, कुछ भी बोल लेते हो, एक ने कहा तो सबने बोल दिया। गोसावलेयत्वम इसमें कौन सा दोष है, अव्याप्ति। जीवस्य भव्यत्वम जीव का लक्षण भव्य बनाए तो अव्याप्ति, फिर जीवस्य मति ज्ञानत्वम इसमें भी अव्याप्ति है, क्योंकि मति ज्ञान कुछ ही जीवों में पाया जाता है, सिद्धों में नहीं पाया जाता है, अरहंतों में नहीं पाया जाता है, इसलिए इसमें अव्याप्ति है। एक जन में किसी ने बोल दिया अतिव्याप्ति तो बिना सोचे सभी अतिव्याप्ति बोल देते हैं। इन तीनों में कौन सा लक्षणाभास हुआ, अव्याप्ति। गोह सावलेयत्वम जीवस भव्यत्वम मति ज्ञानत्वम वा अथवा मति ज्ञान नागवादी नाम लक्षणम इति सुप्रतीतम। कहते हैं गवादियों के माने गो आदि के, गाय आदि के ये जो लक्षण बनाए गए हैं, गाय का लक्षण सावलापन, जीव का लक्षण भव्यत्व और जीव का लक्षण मति ज्ञानत्व, ये जो लक्षण बनाए गए हैं कहते हैं ये लक्षण ना
सुप्रतीतम, कि ये सही प्रतीत नहीं होते, ये लक्षण सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सावलेयत्वस्य सर्वत्र गोसु अवृते, कि सावलेयत्व सभी गायों में पाया जाता है क्या? नहीं पाया जाता है। सभी गायों में पाया नहीं जाता है, कुछ ही गायों में पाया जाता है। इसलिए गाय का लक्षण सावलापन बनाना अव्याप्ति दोष से दूषित है। जीव का लक्षण भव्य बनाना कौन बोला अतिव्याप्ति, इसमें भी अव्याप्ति है, क्योंकि सभी जीव भव्य नहीं है, कुछ ही जीव भव्य है, इसलिए अव्याप्ति। और तीसरा मतियान वाला बताई दिया, ये सब अव्याप्ति वाले हैं। भव्यत्वस्य मतिज्ञानत्वस्य वा सर्व जीवेषु अवर्तमानत्वात् अव्याप्ते। सरल एकदम, क्या बताया? भव्यत्वस्य माने भव्यपना, भव्यपने का, मतिज्ञानत्वस्य च और मतिज्ञानपने का, अथवा सर्व जीवेषु अवर्तमानत्वात्, ये सभी जीवों में अवर्तमानत्वात् माने नहीं पाए जाने से, भव्यपना सब जीवों में नहीं पाया जाता और मति ज्ञानपना भी सभी जीवों में नहीं पाया जाता, इसलिए क्या बता दिया? अव्याप्ते, इसलिए इनमें अव्याप्ति दोष है। ठीक है, कितने खुले दरवाजे, एक ही। खिड़की टूट गई क्या? चल ठीक ठीक, वो तो हॉल के खुले हैं, यहां तो कहीं और के बोल रहे थे हम। चलो, यहां कुर्ते वाले बोल रहे थे बटन। अब आगे देखो, परंतु क्या बोले? परंतु सावलेयत्वस्य भव्यत्वादेः वा असाधारण धर्मत्वम् अस्ति। कहते हैं परंतु सावलेयत्व के भव्यत्वादेः वा अथवा भव्यत्वादि के क्या है इनके अंदर? इनमें असाधारण धर्मत्वम् अस्ति, इनमें असाधारण धर्मपना है। किन किन में? सावलेयत्व में असाधारण धर्मपना है। कैसे? क्योंकि सावलापन गाय से अलग नहीं किया जा सकता। जो भव्यत्व लक्षण बनाया है जीव का, उसमें असाधारण धर्मपना है कि नहीं है? क्यों है? क्योंकि भव्यपना जीव से अलग नहीं किया जा सकता। मति ज्ञानत्वपना, मति ज्ञानत्वपना भी क्या है? उसमें क्या है? असाधारण धर्मपना है। उसको भी वो बात अलग है कि जब सिद्ध बन जाएंगे तो मति ज्ञान नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन वर्तमान में जिसके मति ज्ञान है वह जीव से भिन्न नहीं है, जीव में ही है, उसका असाधारण धर्म है। इस कारण से यहां बोल रहे हैं कि ये सभी जीव में सावलेयत्व भव्यत्व आदि, ये सभी इनमें क्या है? असाधारणपना है। और ये सभी कौन से दोष से दूषित थे? अव्याप्ति दोष से दूषित थे। और अव्याप्ति दोष से जो दूषित हैं, इन दूषितों में गड़बड़ चीज में जो जाएगा, जो पाया जाएगा, तो गड़बड़ होगा कि अच्छा होगा? बुरे लोगों की संगति अच्छी के बुरी? एक पान तमाखू खाता हो, गुटखा खाता हो, बीड़ी पीता हो, सिगरेट पीता हो, शराब पीता हो, और उसके साथ कोई सज्जन व्यक्ति घूमे,
तो वो सज्जन रह पाएगा, कदाचित रह भी पाए तो भी वो सज्जन नहीं कहलाएगा, क्योंकि दुर्जनों के साथ में घूमने वाला भी दुर्जन ही हो जाता है। ठीक है, तो यहां जो असाधारण धर्मपना है ये दुर्जनों की संगति कर रहा है, दुष्ट की संगति कर रहा है, गलत चीज की संगति कर रहा है। कौन सी गलत चीज की? लक्षणाभास की, क्योंकि जो अव्याप्ति दोष से दूषित चीजें हैं जिनमें दोष ऑलरेडी पहले से ही लगा हुआ है, ऐसी दूषित चीजों में भी असाधारण धर्मपना जाता है, इस कारण से वह भी सदोष हो गया। ठीक है, शराब की दुकान के आसपास कोई भटके, वहीं पे खड़ा हो जाए बोतल बोतल के सामने, कितने की है? जैसे मान लो चला गया, क्या नाम तुम्हारा? प्रियांश। मान लो कहीं कोई दुकान मिल जाए, पीना तो नहीं है, पूछ तो ले कितने की आती है। दुकान पे चले गए, कितने की है? वो कहेगा कौन सी वाली है, हम तो भैया जानते नहीं है कौन सी वाली, भेद विज्ञान तो है नहीं ज्यादा, अब तुम्हें बता दो कितने प्रकार की होती हैं। अच्छा बता दी, ए कितने की, वो कितने की, वो कितने की। दूसरे सीनियर ने देख लिया, ये छोटू महाराज पहुंचे, संडे था, कैमरा मोबाइल भी था, आगे चल इसको फंसाते हैं, ऑटो खट, भाई साहब शराब की दुकान पे बोतल के सामने बिल्कुल हाथ में लेते हुए देखो, फंस गए कि नहीं? तो कहते हैं ऐसी गली में भी मत जाना कि जहां खतरा हो जाए, इसलिए तो कहते हैं अनायतनों में भी प्रवेश मत करना। क्यों? क्योंकि कहते हैं काजल की कोठरी में जाए और कालिख ना लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ ना कुछ तो कालिख लग ही जाता है, दाग लग ही जाता है ना। ऐसे ही जो अनायतनों में जाएगा, कुगुरु कुदेव आदि के यहां जाएगा, तो वहां कहीं ना कहीं दोष लगा के ही आएगा, है ना। जैसे वो नहीं रखे जाते अपने दस लक्षण के टाइम पे उनके, ठीक है। अब मान लो कोई ऐसी जगह पे जाएगा जहां तो किसी किसी का तो प्रसाद खाने का मन ललचा जाएगा, चलो मिल ही रहा है ले लो लाभ, कुछ तो मिले, थोड़ा यहां का थोड़ा वहां का थोड़ा वहां का, तो प्रसाद खाने का मन हो जाए। मान लो कोई प्रसाद चलो त्याग कर रखा हो, इतना तो दोष लग ही जाएगा कि देखेगा ये बहुत बड़ी है, ये कितनी अच्छी दिख रही, वो कितने, माने कहीं ना कहीं उनकी महिमा आई आएगी, और महिमा आ गई मतलब दोष लग गया, दोष लग ही गया, क्योंकि महिमा तो देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी अन्य की आना ही नहीं चाहिए, लेकिन यदि अन्य की महिमा आ गई तो दोष लग गया, है ना। इसलिए ऐसे अन्य स्थान पर जाने को मना ही किया है, क्योंकि जो सदोष चीज है वहां सदोष के साथ आना नहीं, जाना नहीं, मिलना नहीं, घूमना नहीं, भटकना भी नहीं होता। ऐसा होता है जैसे कई लोगों को संगति भी मिल जाती ना ऐसी, कि जो गड़बड़ करता है दूसरा और मिल गया, एक ने गड़बड़ किया दूसरा और मिल गया, तो दो हो गए, तो दो नहीं हो गए वो, एक और एक 11 हो गए वो, क्योंकि एक तो गुस्सा था ही नाराज गड़बड़, दूसरा और मिल गया, तो एक और एक मिलके और महान खतरा पैदा करेंगे। अब एक बुराई करेगा दूसरा बुराई, ए मिल गए मिल गए मिल गए, सब खराब, नुकसान ही नुकसान, है ना। इसलिए संगति हमारी पहले से ही सेट कर लें, पहले से ही, जैसे कनिष्ठ वाले भी आते हैं, बिल्कुल पहले से ही चुनाव कर लो कि कौन सज्जन दिखाई दे रहा है,
किसको धर्म की रुचि दिखाई दे रही है, कौन बिल्कुल हर जगह पंक्चुअल है, कौन ईमानदार है, कौन सज्जन है, कौन कोई भड़काता वड़काता नहीं है, डिस्टर्ब नहीं करता है, कोई कौन सच्चा मार्ग दिखाता है, कौन धर्म की प्रेरणा देता है, पहले ही से माइंड मेकअप पहले से सेट कर लिया, ऐसे लोगों की संगति करना। बाकी जिसने कुछ डिस्टर्ब किया, अरे क्या रखा है पढ़ाई में, ये आदमी महान बेकार आदमी है। जिसने धर्म के विरोध में कहा कि क्या रखा है इस पढ़ाई में, ये तो पापी जीव है, ऐसे लोगों की संगति नहीं करना। हमारी दृष्टि में तो पापी है, तुम्हारी दृष्टि में तो पता है, मैं नहीं पता, लेकिन बता दे रहे, जो कहे शास्त्री करने में क्या रखा, पापी जीव है वो। कौन है पापी, पहले से समझ लो, क्योंकि उसने शास्त्रों का अपमान किया है, शास्त्रों का अपमान किया है, शास्त्री का किया मैंने शास्त्रों का किया, और शास्त्रों का किया, जिनवाणी का अपमान किया तो उसने जिनदेव का अपमान किया है। ऐसा जीव पापी नहीं तो कौन होगा, पापी नहीं बल्कि महापापी है। इसलिए ऐसे लोगों की संगति नहीं करना, दूर बिल्कुल, इनका रास्ता इधर तो हमारा रास्ता इधर। हमें पता है मार्ग तो यही है, विश्व में इससे अच्छा कोई दूसरा मार्ग नहीं हो सकता। ठीक है, चार ही हैं, पांच कांगे, दो बीमार हैं, कांगे और बीमार है। चलो ठीक है, समझा देना ये वाली परिभाषा सबको। तो क्या बोले इधर, देखो इधर भी तो नुकसान हुआ, असाधारण धर्म ने किसकी संगति की, अव्याप्ति दोष से जो दूषित है उसमें गया, वो उसमें गया तो वह भी दूषित हो गया। कैसा हो गया, दूषित हो गया, दूषित हो गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं। अब वह लक्षण का लक्षण सही नहीं रहा, ठीक है ना। कितना बढ़िया बता रहे हैं कि परंतु सावलयत्वस्य भव्यत्वादेर वा असाधारण धर्मत्वम अस्ति यतो हि तेषां गवादिभ्यो भिन्नेषु अवृत्तित्वात्। क्योंकि यतो हि माने क्योंकि, ठीक है, संस्कृत में यतो हि माने क्योंकि, तेषां माने उनका, गवादिभ्यो गवादी से भिन्नेषु, गवादी से जो भिन्न वस्तुएं हैं उनमें अवृतत्वात्, मतलब उनमें नहीं पाया जाता। कौन, ये सावलयत्वादी गवादी से भिन्न नहीं पाए जाते। सावलापन गाय में पाया जाता है, भव्यपना जीव में पाया जाता है, मति ज्ञान जीव में पाया जाता है, ठीक है, तो ये उनसे भिन्न नहीं पाया जाता है। तद इतर अवृतत्वम ही असाधारणत्वम इति, तद इतर अवृतत्वम, उनका इतर माने अन्य में, अवृतत्वम माने नहीं पाया जाना, ही माने वास्तव में निश्चय से असाधारण धर्मत्वम इति, असाधारण धर्मपना है। माने गाय का जो सावलापन है वो गाय में पाया जाता है, उससे अलग नहीं पाया जाता है, तो अलग नहीं है इसका मतलब इसका नाम ही असाधारण है। ततः सावलेयत्वादौ अव्याप्ता विधाने लक्षणाभासे असाधारण धर्मस्य अतिव्याप्ति इति बोध्यम सिद्ध हो गया। क्या सिद्ध हो गया, ततः माने इसलिए, सावलयत्वादौ सावलयत्वादि में अव्याप्ता विधाने लक्षणाभासे, जो अव्याप्ति लक्षणाभास वाला था उसमें असाधारण धर्मस्य असाधारण धर्म की,
अति व्याप्ति ही इति बोध्यम, क्यति व्याप्ति होती है ऐसा जानना चाहिए। ये हो गया अपना अव्याप्ति और दूसरा क्या हो गया अति व्याप्ति। अब तीसरा है असंभव, असाधारण धर्म वचनम में असंभव दोष बताना है। अपन पूरा बोर्ड से समझ ही चुके हैं, अब बस इसकी संस्कृत पढ़ना और उसकी हिंदी करना है। ठीक, देखो अपीचे, अपीचे माने और भी, अपी माने भी, चा माने और, अपी भी, अपीचा माने और भी। लक्ष्य धर्मी वचन से लक्षण धर्म वचनेन सामानाधिकरण अभाव प्रसंगात। क्या हुआ, लक्ष्य धर्मी वचन का लक्षण धर्म वचनेन माने लक्षण धर्म वचन से सामानाधिकरण अभाव प्रसंग, सामानाधिकरण के अभाव का प्रसंग होने से। ये तो सब बता ही दिए, लक्ष्य वचन, ठीक है, यहां दिया लक्ष्य धर्मी वचन और लक्षण धर्म वचन, ये तो पता है ना कि नहीं पता, ठीक है, तो अपन पूरा देख चुके। लक्ष्य धर्मी है, लक्ष्य धर्मी वचन, और उस तरफ लिखा था असाधारण धर्म वचन, वो क्या है लक्षण धर्म वचन, और इस तरफ जो लक्षण लिखा है वो क्या है लक्ष्य धर्मी वचन। इनमें क्या क्या नहीं है, सामानाधिकरण के अभाव का प्रसंग है, इनमें सामानाधिकरण नहीं बनता, दोनों में नहीं बनता, ठीक है। तथा ही अब उसको ही बताते हैं, सामानाधिकरण्यम द्विविधम, सामानाधिकरण कितने प्रकार का है, दो प्रकार का है, शाब्दम अर्थम च, शाब्द और अर्थ माने शाब्द सामानाधिकरण और अर्थ सामानाधिकरण, नहीं हो याद तो नहीं आ रही घर पे की, पक्का ना, सुनो दो हुए शाब्द और अर्थ। अब इनका तो सबको समझ में आ गया है, शाब्द सामानाधिकरण क्या है, अर्थ सामानाधिकरण, देखो यहां वही बताया है, ययोर द्वयोः एकत्र वृत्तिस् तयोर अर्थ सामानाधिकरण्यम्। ययोः द्वयोः एकत्र वृत्ति, जहां पर दो की, दो की एकत्र वृत्ति होती है, दो की एकत्र वृत्ति होती है, तयोः अर्थ सामानाधिकरण्यम्, उनके बीच में उनका क्या है, अर्थ सामानाधिकरण है। उदाहरण दिया, यथा रूप रसयो, जैसे कि रूप और रस, जहां रूप है वहां रस है, जहां रस है वहां रूप है, तो यहां कौन सा सामानाधिकरण हुआ, अर्थ सामानाधिकरण हुआ। अब शब्द में क्या है पता ही है सबको, ययो द्वयो शब्द यो च एक प्रतिपाद्या अर्थ तयो शब्द सामानाधिकरण्यम्। जिन दो शब्दों का च एक प्रतिपाद्यो अर्थ, जिन दो शब्दों का प्रतिपाद्य अर्थ एक हो, शब्द कितने हैं दो, और दोनों ही किसको बता रहे हैं, एक को ही बता रहे हैं, ठीक है, नमक और खारा, खारा और नमक दोनों किसको बता रहे हैं, एक को ही बता रहे हैं, कौन से एक को बता रहे हैं, खारेपन को बता रहे हैं कि नमक को बता रहे हैं, दोनों एक दूसरे को बता रहे हैं। सही है, लेकिन दोनों में देखा जाए तो दोनों एक ही चीज है, चाहे नमक का हो चाहे
खा रहा तो हो, ऐसा तो होता नहीं। नहीं, दोनों अलग अलग हैं। क्यों? नमक नमक है, खारा खारा है। अच्छा तो दोनों को अलग करके दिखा दो, नमक को अलग रखो और खारे को अलग रखो, करके बताओ। हो ही नहीं सकता, जब दो अलग अलग हो ही नहीं सकते। नमक का हो चाहे खारा का हो, अग्नि का हो चाहे उष्णता का हो, जीव का हो चाहे ज्ञान का हो, दोनों क्या है? एक ही चीज है। उदाहरण दिया, कहते हैं प्रतिपाद्य अर्थात तयो शाब्द सामानाधिकरणम, इन दोनों के बीच में शाब्द सामानाधिकरण है। यथा घट कलश शब्द यो, घट और कलश शब्द में, कि घट कहो चाहे कलश कहो। कई लोगों को इसमें ऐसा भ्रम होता है, कलश तो वो होता है स्टील का और घट माने तो घड़ा मिट्टी का होता है। यहां पर वो ऐसा अंतर तो वर्तमान के कारण बन गया है, वास्तव में पुराने जमाने का उदाहरण है। और उस समय वो जो मटके का होता था ना, मिट्टी का, वही घट कहलाता था, वही कलश कहलाता था। आजकल थोड़ा सा बदल गया है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, तो अपन को घट कहो तो मिट्टी का ख्याल में आता है, और कलश कहो तो स्टील का ख्याल में आता है, तो बिगड़ जाती बात। तो कई लोगों को ये भ्रम बना रहता है कि दोनों का प्रतिपादन से कहते हैं, लेकिन हम तो कलश कहते हैं तो स्टील का ख्याल में आता है, वो मंदिर में जो रखते हैं, और घट कहो तो मिट्टी का ख्याल में आता है, अथवा कलश कहो तो चांदी का ख्याल में आता है, वो स्वर्णिम कलश, इसकी बोली उसकी बोली। जैसे वहां भाई जी यदि बोलियां लगवाने लगे, ये पहले कलश की बोली 51,000, तो वहां पे जो पहला कलश है तो वहां मिट्टी का कलश होता है क्या? वहां तो कई बार स्वर्ण कलश की बोली, रजतमय कलश की बोली, ऐसे ही तो बोलते ना। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भले ही वो कलश और घट थोड़े अलग अलग भाषित होने लगे हैं, लेकिन वास्तव में वो पहले के समय में उसी को ही घट कहा जाता था, उसको ही कलश कहा जाता था। इसलिए वो दोनों जो भी कहो वो दोनों एक ही हैं, ऐसा है। अब देखना आगे, सर्वत्र ही, सर्वत्र ही लक्ष्य लक्षण भाव स्थले लक्ष्य वचन लक्षण वचन यो शाब्द सामानाधिकरण्यम भवति। कहते सब जगह ऐसा होता है। कैसा होता है? लक्ष्य लक्षण भाव स्थले, लक्ष्य और लक्षण इन दोनों में, लक्ष्य लक्षण दोनों तो समझिए सब, लक्ष्य में और लक्षण में, इन दोनों में लक्ष्य वचन लक्षण वचन यो, लक्ष्य वचन लक्षण वचन यो, माने लक्ष्य वचन कहें अग्नि, लक्ष्य वचन अग्नि और लक्षण वचन उसकी उष्णता, इन दोनों में शाब्द सामानाधिकरण भवति, शाब्द सामानाधिकरण होता है। ताभ्याम प्रतिपाद्या अर्थस्य एकत्वात्, उन दोनों का प्रतिपाद्य अर्थ एक होता है। उन दोनों ही का लक्षण वचन कहो चाहे लक्ष्य वचन कहो, लक्षण वचन माने उष्णता और लक्षण लक्ष्य वचन माने अग्नि, दोनों में से किसी एक को भी कह दो, जिसको भी कह दो, काम एक ही होना है। ठीक है, कागज को जलाना है तो क्या चाहिए? माचिस। चलो, कागज को जलाना है तो क्या चाहिए? अग्नि चाहिए। हम कह नहीं उष्णता चाहिए, तो एक ही बात है, उष्णता चाहिए चाहे अग्नि चाहिए। अच्छा, चाय किस पे बनाते हैं, आग पे के उष्णता पे? दोनों पे, चाहे आग पे बनाते हो कहो, चाहे उष्णता पे बनाते हो कहो। अब दो जन भिड़ जाए आपस में, नहीं
आग पे बनती है। इधर आग पे कभी चाय बन सकती? नहीं बन सकती। उष्णता पे बनेगी, उष्णता गर्म तो उष्णता होती ना, आग क्या है? अरे उसमें लड़ जाओ, भर जाओ, भरते रहो, उससे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। चाहे आग कहो चाहे उष्णता कहो, दोनों एक ही हैं। इसलिए इसमें कहा सर्वत्र ही लक्ष्य लक्षण भाव स्थले लक्ष्य वचन लक्षण वचन यो साध्य सामानाधिकरण्यम भवति ताभ्यम प्रतिपाद्या अर्था एकत्वात्। दोनों का प्रतिपाद्य अर्थ एक ही होता है। यथा उष्ण अग्नि, उदाहरण दे दिए, उष्ण अग्नि, उष्ण और अग्नि, ज्ञानी जीव, ज्ञानी और जीव, ज्ञान वाला जीव, दोनों एक ही हैं। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, दोनों एक ही हैं। सम्यक ज्ञान कहो चाहे प्रमाण कहो, अभी आने वाला है, इसके बाद आगे आएगा, दोनों एक ही हैं। इत्यादौ उष्ण ज्ञानी सम्यक ज्ञानम एतानी लक्षण वचनानि, ये तीनों कौन से वचन हैं? लक्षण वचन। उष्ण ए लक्षण वचन किसका? किसका? अग्नि रूप लक्षण वचन का, अग्नि का लक्षण है ना ये। और ज्ञानी किसका? जीव का। और सम्यक ज्ञानम किसका? प्रमाण का। एतानी लक्षण वचनानी अग्नि जीव प्रमाणम एतानी चा लक्ष्य वचनानी। अग्नि क्या है? लक्ष्य वचन। जीव क्या है? लक्ष्य वचन। प्रमाणम क्या है? लक्ष्य वचन। एतानी चा लक्ष्य वचनानी, दो लक्षण भी देख लिए अपन ने, लक्ष्य भी देख लिए। अब प्रैक्टिकल देख लो, ये कहो तो वो अर्थ, वो कहो तो ये अर्थ, दोनों के एक ही अर्थ। अत्र लक्षण वचन प्रतिपाद्यो यो अर्था, कहते हैं यहां पर लक्षण वचन का प्रतिपाद्य जो भी अर्थ होता है सा एव लक्ष्य वचन प्रतिपाद्यो, वही लक्ष्य वचन का प्रतिपाद्य अर्थ होता है। न भिन्नो अर्थः तत्प्रतिपाद्यः, उनका भिन्न प्रतिपाद्य अर्थ नहीं होता है। माने दोनों का प्रतिपाद्य अर्थ एक ही होता है, दोनों एक को ही बताते हैं। ठीक है। एवं अब इसका उल्टा कर दो, लक्ष्य वचन प्रतिपाद्यो यो अर्थः, माने लक्ष्य वचन का प्रतिपाद्य जो अर्थ होता है सा एव लक्षण वचन प्रतिपाद्यो, वही लक्षण वचन का प्रतिपाद्य होता है। न भिन्न, दोनों का भिन्न भिन्न नहीं होता है। यतो ही माने क्योंकि, उष्ण इत्युक्ते अग्नि इति उक्तम भवति। इतनी सरल हिंदी है, हिंदी है कि संस्कृत है? संस्कृत है, लेकिन हिंदी जैसी लग रही है, क्योंकि सबको पता है क्या बोल रहे हैं। क्योंकि उष्ण इति उक्ते, उष्ण ऐसा कहने पर, अग्नि इति उक्तम भवति, अग्नि ऐसा कहा वही होता है। उष्ण कह दिया तो अग्नि को कह दिया, अग्नि इति उक्ते और अग्नि ऐसा कहने पर उष्ण इति उक्तम भवति, उष्ण ऐसा कहा होता है। माने उष्ण कहे तो अग्नि कह दिया और अग्नि कहे तो उष्ण कह दिया, दोनों एक ही बात। इत्यादि बोध्यम, इत्यादि जानना चाहिए। ततः च इदम् सिद्धम् यत्र कुत्रापि लक्ष्य लक्षण भावः क्रियेत तत्र सर्वत्रापि लक्षण वचन लक्ष्य वचन यो साध्य सामानाधिकरण्यम्। इससे सिद्ध होता है क्या? ततश्चाइदं सिद्धम्, इससे यह सिद्ध होता है
अथवा यह सिद्ध हुआ कि यत्र कुत्रापि लक्ष्य लक्षण भाव क्रियेत, जहां कहीं भी, यत्र कुत्रापि माने जहां कहीं भी लक्ष्य लक्षण भाव किया जाता है, तत्र सर्वत्रापि वहां सभी जगह है, लक्षण वचन लक्ष्य वचन यो, लक्षण वचन और लक्ष्य वचन दोनों में शाब्द सामानादिकरण्यम, शाब्द सामानादिकरण होता है। ठीक है, और देखो इत्थम च प्रकृते असाधारण धर्मस्य लक्षणत्व स्वीकारे लक्षण वचनम धर्म वचनम लक्ष्य वचनम च धर्मी वचनम स्यात्। ठीक है, क्या बोले, इत्थम च प्रकृते, यहां इसी इस प्रकार इस प्रकरण में असाधारण धर्म वचनम क्या है, असाधारण धर्म से लक्षणत्व स्वीकारे, यदि असाधारण धर्म को लक्षण स्वीकार करते हैं तो लक्षण वचनम धर्म वचनम, लक्षण वचनम तो क्या होता है, धर्म वचनम होता है, लक्ष्य वचनम च धर्मी वचनम स्यात्, और लक्ष्य वचन धर्मी वचन होता है। जैसे उष्णता कहने पर अग्नि की याद आती है, अग्नि कहने पर उष्णता की याद आती है, लक्षण वचन लक्ष्य वचन और लक्ष्य वचन लक्षण वचन होता है, ऐसा यहां पर नहीं होता। यहां पर तो क्या होता है, लक्षण वचन धर्म वचन हो जाता है और लक्ष्य वचन धर्मी वचन हो जाता है, दोनों अलग अलग, दोनों एक दूसरे को याद नहीं कराते, दोनों का प्रतिपाद्य अर्थ एक नहीं होता। नाचा लक्षण वचन रूप धर्म वचन लक्ष्य वचन रूप धर्मी वचन यो शाब्द सामानादिकरणम अस्ति, कहते हैं, और ना लक्षण वचन रूप धर्म वचन और लक्ष्य वचन रूप धर्मी वचन दोनों में शाब्द सामानादिकरण्य शाब्द सामानादिकरण्यम अस्ति, ना पहले लगा है माने में शाब्द सामानादिकरण्य नहीं है। ताभ्याम प्रतिपाद्य अर्थस्य भिन्नत्वात्, क्योंकि उन दोनों का प्रतिपाद्य अर्थ भिन्न होने से, माने दोनों का प्रतिपाद्य अर्थ भिन्न है, किन दोनों का, असाधारण धर्म वचनम का और लक्षणम का, दोनों का प्रतिपाद्य अर्थ भिन्न है, एक नहीं है। धर्म वचन प्रतिपाद्यो ही धर्म, धर्मी वचन प्रतिपाद्यस्य धर्मी, धर्म वचन का प्रतिपाद्य अर्थ क्या होता है, धर्म होता है, और धर्मी वचन प्रतिपाद्य का अर्थ धर्मी हो रहा है। तौ च परस्परम सर्वथा भिन्नौ, और दोनों परस्पर सर्वथा भिन्न है, धर्म वचन भिन्न है, धर्मी वचन भिन्न है, इनका वाला, तथा ये जब पूरा होगा फिर मैं पूछ सकता हूं किसी से भी, ठीक है, देखता हूं कि कौन कितना बता सकता है संस्कृत में, ठीक है। तथा च असाधारण धर्मस्य लक्षणत्वे न कुत्रापि लक्ष्य लक्षण भाव स्थले लक्ष्य वचन लक्षण वचन यो शाब्द सामानाधिकरण्यम संभवती, यहां बोल रहे हैं उसी प्रकार, और असाधारण धर्म के लक्षण पने स्वीकार करने पर न कुत्रापि लक्ष्य लक्षण भाव स्थले, कहीं पर भी नहीं होता, क्या नहीं होता, लक्ष्य लक्षण भाव स्थल में लक्ष्य वचन लक्षण वचन यो शाब्द सामानाधिकरण्यम संभवती न, माने संभव नहीं होता है। ततस्य इससे उससे क्या हो गया, और उससे शाब्द सामानादिकरण अभाव
प्रयुक्त असंभव दोषा समापतती एव। क्या बोले? उससे साध सामान आदि करने के अभाव का अभाव प्रयुक्त अभाव होने से असंभव दोषा समापतती एव, असंभव दोष आ पड़ता है, माने असंभव दोष आ जाता है, असंभव दोष लग जाता है। तस्मात, इसलिए न, तस्मात न, इसलिए न, ना माने नहीं, साधारण असाधारण धर्म मुखेन लक्षण करणम यौक्तिकम। इसलिए कहते हैं लक्षण का लक्षण ना तो असाधारण बनाओ और ना ही साधारण बनाओ, क्योंकि असाधारण बनाओगे सर्वथा सो भी गड़बड़ है और साधारण बनाओगे सो भी गड़बड़ है, दोनों ही ठीक नहीं है। माने पहले ही से उनने कह दिया कि एक आदमी बोला कि असाधारण धर्म अचनम, तो उनने कह दिया असाधारण धर्म तो गड़बड़ है ही, अब कोई एक आध और दूसरा आ जाए वो कहने लग जाए साधारण धर्म वचनम लक्षणम, उनने पहले ही कह दिया कि असाधारण तो गड़बड़ है ही और साधारण भी गड़बड़ है, वो भी मत बनाना, बना ही नहीं बाद में किसी ने, पहले ही डर गए सब हैं। इसलिए कहा तस्मात न साधारण असाधारण धर्म मुखेन लक्षण करणम योक्तिकम, ना साधारण और ना असाधारण कोई भी लक्षण युक्त नहीं है। अपितु कौन सा सही है? परस्पर व्यति करे सती ये नान्यत्वं लक्षते तल्लक्षणम् इति अकलंकम्। ऐसा अकलंक देव ने कहा है कि परस्पर में जो मिली हुई वस्तुएं हैं उनमें से येन माने जिसके द्वारा अन्यत्व माने भिन्न किया जाता है, लक्षते तल्लक्षणम्, वही वास्तव में असली लक्षण कहलाता है। इस तरह से यहां पर लक्षण का सही लक्षण क्या होना चाहिए उसकी पहचान कराई। ठीक है, खेल लो है, जाने दो, कीड़ा आया है तो आया है, उसमें क्या है, अब वो खेल रहा है, तुम लोग भी खेलोगे। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आज ये अपना साधन धर्म अचनम की चर्चा यहीं विराम अपन ले रहे हैं। ठीक है, अब संस्कृत में कौन बता सकता है, पूछ लें। अब सब किताबें देखने लग गए हैं। चलो वैसे समझ में तो आई है लगभग सभी को, और जो वरिष्ठ वाले हैं इसको तैयार कर लें कंप्लीट, क्योंकि ये तो परीक्षा का एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट कहलाता है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, 10 नंबर का अभी से वरिष्ठ वालों की तैयारी, और कनिष्ठ वाले भी अभी से लगभग समझ में आ गया होगा तो बढ़िया। ठीक है, अब देखो इससे हमें 2-5 मिनट और, बस क्या खास समझना है, यहां जो असाधारण धर्म को खंडित किया, यहां मूलतः उद्देश्य तो आज यही था असाधारण धर्म अचनम कह के, ये लक्षण का लक्षण कह के, कल भी चर्चा की थी कि लक्षण का जो लक्षण जैसे सिद्ध किया, ऐसे ही हमें भी जिस चीज को भी सिद्ध करना हो, जिसका भी जो हम लक्षण बनाएं, तो उसको अच्छे से ठोक बजा के देख लें कि इसमें कहीं अव्याप्ति दोष तो नहीं आ रहा है, अतिव्याप्ति दोष तो नहीं आ रहा है, असंभव दोष तो नहीं आ रहा है। यदि इनमें से कोई भी एक हो रहा हो तो वह लक्षण नहीं लक्षणाभास है, हमें अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, हमें यदि आत्मकल्याण करना है
यदि हमारा ये लक्ष्य है तो उसका लक्षण हमें सही खोजना पड़ेगा, हमें शास्त्री करना है, अच्छे विद्वान बनना है। यदि हमारा लक्ष्य है ईमानदारी से, तो उसका सही लक्षण क्या सिस्टम होना चाहिए वो हमें पता करना पड़ेगा, है ना। यदि हमें किसी भी फील्ड में जाना हो, किसी को टीचर बनना हो, लक्ष्य हो टीचर बनना, तो उसको अपना सही रास्ता कि उसके लक्षण क्या हैं, क्या क्या होना चाहिए हमारे पास, क्या योग्यता होना चाहिए, कौन सी डिग्री होना चाहिए, कौन सी कंपटीशन एग्जाम के लिए हमें फेस करना पड़ेगा, ये हमारा रास्ता क्लियर है तभी लक्ष्य को हम प्राप्त कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि बनना तो बहुत बड़ी चीज है और रास्ता तो पता ही नहीं है कि कहाँ है, कुछ है नहीं पता। क्या बोले? हाँ, ये बात कही। कलेक्टर की पढ़ाई करना है क्या? कलेक्टर बनना चाहते हैं और कंडक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, तो कैसे कलेक्टर बनेंगे? वो तो ठीक है, लेकिन हमारी बात सही है, तुमने कुछ और कह दिया। बनना तो कलेक्टर है, बनना तो कलेक्टर लक्ष्य है, और पढ़ाई किसकी कर रहे? कंडक्टर की। तो कब बनेंगे कलेक्टर? कभी नहीं बनेंगे। ऐसे हम भी तो ऐसे ही कर रहे हैं, बनना तो एकदम बढ़िया विद्वान है, शास्त्री विद्वान है ना, वही बनेंगे। सही बात है, जिसकी पढ़ाई करेंगे वही बनेंगे। तो हम बनना तो अच्छा विद्वान है शास्त्री, और हम पढ़ाई उस लेवल की कर नहीं रहे। कोर्स में तो 45-50 ग्रंथ हैं और हम ढंग से 5 नहीं पढ़े, तो कहां के शास्त्री बन गए? नहीं बन सकते। इसीलिए कनिष्ठ से ही कि यदि वास्तव में हम इस उद्देश्य से आए हैं कि हमें धर्म की पढ़ाई करना है और हमारा यही लक्ष्य यही उद्देश्य है, तो लक्ष्य बिल्कुल फाइनल करके भटकना नहीं है। जो भटक गया वो फिर बिगड़ जाएगा। एक क्लियर फाइनल, ये फाइनल किया और अब पीछे पड़ जाओ। अध्ययन एक एक जो विषय हमारे कोर्स में है, पूरा बाल की खाल जब तक ना निकाल लें, पकड़ एकदम मजबूत ना हो जाए, छोड़ेंगे नहीं। हमें नहीं आया समझ में, सीनियर से पूछेंगे, उनको नहीं जमा और उससे ऊपर वालों से पूछेंगे, जहां जमा वहां से पूछेंगे, पूरा क्लियर करेंगे, पक्का करेंगे, निर्णय करेंगे हर एक चीज का। तो फिर देखो कितना मजा आता है, परिणाम विशुद्ध होते हैं, अंदर से विशुद्धता पकती है, फिर आगे के रास्ते खुलते चले जाते हैं, हमें खोलने नहीं पड़ते हैं, ऑटोमेटिक रास्ते मिलते हैं। क्योंकि जिनके परिणाम विशुद्धता आती है, तत्व ज्ञान उतरता है, जो पढ़ते हैं वो समझते हैं, जीवन में उतारते हैं, उनके मन में संकलिष्ट परिणाम नहीं होते, उटपटांग भाव नहीं होते हैं, उल्टे सुलटे विचार नहीं होते हैं। और ये सब विचार नहीं होते हैं तो रास्ता क्यों नहीं मिलेगा? ठीक है, रास्ता ऑटोमेटिक मिलता है, बस इतना है। ईमानदारी से हम अपने पढ़ाई करते रहें, बस पढ़ाई करते रहें, विश्वास यही रखें कि इससे अच्छा दुनिया में विश्व में कुछ भी नहीं है और है ही नहीं, पक्का नहीं है। इतना एक बार निर्णय करके फिर अपना काम चालू कर दें, करते चले जाएं। कहते हैं कि जिसको यही निर्णय हो गया, वेल बिगन इज हाफ डन, यू हैव लिसन आई थिंक। क्या बोले? अच्छी शुरुआत यदि की जाए, ठीक है, इज हाफ डन। क्या बोले? अच्छी शुरुआत यदि की जाए तो समझ लो कि आधा काम तो वही हो गया, आधा काम तो अपना वहां हो गया। तो शुरुआत अच्छी होना चाहिए, संकल्प सहित होना चाहिए, मन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा काम
होके ही रहेगा। और इस तरह से लक्ष्य लक्षण संबंधी चर्चा अपन ने जितनी की, अब शेष जो बची उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे।